अभी सुबह के बजे हैं 7:30 और 7:30 बजे से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अभी, जो कि मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में है आज रोटी और कोचू, अरबी है, अरबी जो फ्राई है ना वो वाला है। तो कल का थोड़ा बच गया था तो हस्बैंड ने बोला था कि मैं ये लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे खाना है घर के, और उनको ना थोड़ा वैसा अरबी, मसालेदार अरबी बहुत पसंद है तो रख दिया था मैंने। सो हैप्पी गणेश चतुर्थी, आज है गणेश चतुर्थी और सुबह से नहीं, रात से हो रही है बारिश, तगड़ा वाली बारिश हो रही है। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे जितने भी पेड़ हैं ना वो सारे के सारे बच जाएंगे। ये बारिश का पानी जब गिरता है ना तो इतने समुंदर का पानी होता है, इतनी नदियों का पानी होता है, तो उस वजह से ना बच जाता है पेड़ पौधे, कुछ भी लगाओ तो मेरे सारे पौधे बच जाएंगे, सारे ऑल टोटल। आई एम सो हैप्पी कि मेरे सारे पेड़ बच जाएंगे। और आज है गणेश चतुर्थी, अगर हुआ तो मैं लेके जाऊंगी, थोड़ा बहुत दिखाऊंगी आप सबको गणेश चतुर्थी। और अभी करना है ब्रेकफास्ट। अच्छा लग रहा है ना, बड़ा सा लिया इस बार मैंने, बहुत बड़ा सा चुना बिंदी, मुझे चाहिए था इतना बड़ा वाला। तो अभी जो कि थोड़ी देर के बाद हम खाना खाएंगे, खाना नहीं रोटी, तो चलो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। और आज थोड़ा जल्दी काम हो गया है मेरा, तो अभी जो कि मैं पूजा वूजा करके आई हूँ, यहाँ पे बैठी हूँ और बाहर हो रही है काफ़ी बारिश, मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊंगी। और सच में जानो तुम्हें हमें छपकड़ा फुलगत बची से ढेर सी रोल कली अशी जड़े जड़े हुई गुड़ेले फूल ना, तुम्हें जाओ कड़ी ना छोटो छोटो छेडे ना वो आगेड्डा ऐसे। और रोज़ में भी एक आध आया है, देखा है मैंने। और तो फिर भी आ जाएगा वो, बच जाएगा, एक भी नहीं मरेगा। और रोज़ लगाऊंगी ना दवा के, रोज़ लगाऊंगी मैं इस बार, मुझे रोज़ बहुत पसंद है गाइस, बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट है रोज़ और गुड़हल। ऐसा लग रहा है ना मैंने वीक लगाया, वीक ना क्या कहते, वीक लगाया है मैंने, ऐसा लग रहा है। बहुत जल्दी मैं करूँगी अपने बालों का, सपना है मेरा रिबॉन्ड करने का, करूँगी मैं। तो मैं लेते जाऊँगी आपको हमारे यहाँ पे, मेरे माइके के साइड, मतलब मेरे दोनों माइके के साइड होते हैं, एक तो वाले दो नंबर के साइड में माइका है, एक मार्केट में है, तो दोनों के बीच में ही है, दोनों तरफ से आसान है। तो मैं लेकर जाऊंगी कि हमारे यहाँ पे गणेश चतुर्थी कैसा हो रहा है। मैंने सुना है कि अच्छा ही होगा, ठीक ठाक देखा भी है यार, मैं परसों गई थी उधर उस साइड तो देखा था मैंने, काफ़ी अच्छा बनाया है।
और आज जो कि ना मेरे घर पे आने वाली थी एक मेरी बुआ, बट वो आ नहीं पाई बारिश के कारण, मुझे पता है। उसने बोला था सुबह आऊंगी करके, तो कोई लंच वंच का नहीं। नॉर्मली मैंने बोला था कि लंच कर लेना, तो उसने बोला नहीं मैं रहूंगी कुछ दिन, फिर करेंगे लंच। अभी लेके चलेंगे आपको पीछे, हाँ नहीं पीछे नहीं, पीछे है ना कीचड़ है, और ये मेरे जो पति है ना ये कीचड़ कीचड़ और भी कर देगा। मैं गई थी ये भी पीछे चलेंगे, आपकी कीचड़ लेके आ गई। सोचा था आज काम करूँगा थोड़ा सा यार। अच्छा ही हुआ, আমি তো চাইছি কি একটু ভালো হইছে বর্ষা হইছে, কারণ কি গরম ভি বহুত পড়ছিল, मतलब गर्मी भी बहुत पड़ा था, और ऊपर से मेरा फूल का पेड़ को लेके थोड़ा टेंशन हो रहा था कि बच जाएगा, क्योंकि बच जाएगा सारा। तो अभी जो कि मैं कढ़ाई को ना गरम कर रही हूँ, और ये हस्बैंड लेके आए थे चावल का पाउडर, ये बाज़ार में मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, तो थोड़ा सा लेके आने के लिए बोला था, थोड़ा सा ही ज़्यादा नहीं, क्योंकि क्योंकि ज़्यादा लाएंगे ना तो इसमें ना कीड़े लग जाते हैं, तो इस वजह से ना मैंने थोड़ा ही लाने के लिए बोला था। और यहाँ पे मैंने ना अभी गलती कर दिया, क्योंकि पहले ही मुझे घोल बना लेना चाहिए था। और ये जो कि कद्दू का फूल है, ठीक है, ये मैं आपको प्रॉपर कभी किसी दिन दिखाऊंगी, ये तो मतलब जो फूल है ना ये मुरझा गया है, फ्रिज में रखा था मैंने, कल मैं लेके आई थी मार्केट गई थी तो मैं लेके आई थी ये फूल, तो ये ना ख़राब हो गया है। जब ताज़ा रहता है ना तो उसी टाइम अच्छा लगता है, तो फिर कभी देखेंगे अगर ताज़ा वाला मिलेगा ना तो मैं शेयर करूँगी। और यहाँ पे पहले ही मुझे घोल बना लेना चाहिए था, बट मैंने क्या किया इसी के ऊपर दे दिया, कोई ना। और चाहे तरबूज छुरी पे गिरे या छुरी तरबूज पे गिरे, कटेगा तो तरबूज ही है, तो वही चाहे घोल बनाओ चाहे ऐसे करके, लेकिन इसमें क्या होता है कि जगह में ना एक ही जगह में नमक, अलग अलग जगह में नमक रह जाता है, मिक्स अच्छे से होता नहीं है। तो यहाँ पे ना जो कि अभी तेल गरम हो गया है, इसको ना ऑलिव ऑयल में कभी नहीं पकाना, इसको हमेशा मतलब क्या कहते हैं सरसों के तेल में, मस्टर्ड ऑयल में ही बनाना चाहिए। मस्टर्ड ऑयल बहुत ही अच्छा फ्रेगनेंस देता है, और जो दूसरा ऑयल होता है ना उसमें मतलब ना अच्छा टेस्ट नहीं आता है, सफ़ेद ऑयल में सनफ्लावर वाले में टेस्ट नहीं आता है, इसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ अभी मैं कर रही हूँ, हाथ धो ले रही हूँ, अभी ये बन गया है, और थोड़ा मैं इसको ना फ्लेम, गैस का जो फ्लेम है ना उसको मैंने बढ़ा दिया है, और बढ़ाने के बाद जो कि देख ले रही हूँ कि हुआ है कि नहीं, क्योंकि अगर पहले ही आप अगर दे दोगे ना तो वो चिपक जाएगा और वो टूट जाएगा, तो एकदम कचड़ा हो जाता है, तो इस वजह से मैंने अच्छे तरीके से जला लिया। उसके बाद अभी तो और भी जलाना है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला है ज़्यादा मत जलाना, एकदम काला मत कर देना, फिर एकदम कड़वा लगे, तो फिर मैं ज़्यादा नहीं जलाऊंगी। और अभी जो कि मुझे चिकन के लिए प्रिपेयर करना है, चिकन में आलू प्याज और ये सब डलेगा, तो वो तो सेकंड ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा आपको। और यहाँ जो कि चिकन में आज डालूँगी ना मैं लहसुन, मुझे चिकन में लहसुन बहुत पसंद है, तो दो लहसुन डालूँगी मैं, और मैं छील के रख देती हूँ। और यहाँ जो कि ये तो हो जा रहा है, ये थोड़े से तेल में ही हो जाता है। और मैं आपको क्या बताऊँ, ये बहुत जब फ्रेश रहता है ना तो काफ़ी बड़ा बड़ा लगता है। खाना बनाना है, अभी लेट हो रहा है, चावल ख़त्म हो गया, चावल लाने के लिए बोलना है हस्बैंड को, और चिकन लाने के लिए बोलना है, चिकन दोपहर को चिकन खाने का अलग ही मज़ा है। तो हमारा पकौड़ी रेडी, पकौड़ी नहीं बड़ा तो बंगाली स्टाइल कद्दू के फूल का बड़ा, जो लोग कभी नहीं खाए वो खा के ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी, खासकर
चावल का गुड़ ही डालना, ये नहीं कि कुछ भी डाल दिया और फिर बदनामी झेलना पड़े फिर मुझे है। चावल का गुड़ी मतलब चावल का पाउडर, पिसा हुआ चावल, कड़ा कड़ा कर रहा है, कड़ा कड़ा। तू पहले खाइयो, तू पहले आने मुझे चीज़ आनो। कहाँ हो की इतने, तू पहले मैं चिकन बनाऊँ क्रिस्पी होगे, तुरंत नहीं खाना है, तुरंत बिल्कुल नहीं खाना है, थोड़ी देर के बाद हम रखेंगे, ठंडा होने के लिए रखेंगे, हम ऐसे ढक के भी नहीं रखेंगे, ऐसे रख देंगे फिर ये गर्म हो जाए, ठंडा हो जाएगा तो फिर ये क्रिस्पी हो जाएगा। और मैं तब तक क्या करती हूँ ना, इन सबको काट के रख देती हूँ।